अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप जितना सफेद आटा यानी कि फाइन आटा ले लिया है, ये छना हुआ है, और 2 कप मैंने यहाँ पर छना हुआ मैदा लिया है। एक टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और नॉर्मल पानी से इसको हमें गूंदना है, सॉफ्ट आटा गूंदना है, ना ज्यादा सॉफ्ट ना बहुत हार्ड, मीडियम सॉफ्ट आटा गूंदना है हमें। बहुत अच्छे से आटा गूंदना है ताकि हमारे पराठे बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो ऑयल लगा लेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा और इसको रूम टेम्परेचर पे ही हम रख देंगे कवर करके आधे घंटे के लिए। अब जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं आलू के पराठे की फिलिंग के लिए, मैंने यहाँ पर 8 जो है वो मीडियम साइज के आलू लिए हैं और उसको मैंने हल्का सा हार्ड बॉईल किया। ज्यादा सॉफ्ट बॉईल नहीं कीजिएगा वरना फिर पराठे में से आलू जो है वो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट होकर बाहर निकलने लगते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा स्टेप बॉईल कीजिएगा और उसको मैंने अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लिया है। अब इसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। अगर आप लाल मिर्ची कुटी हुई लाल मिर्ची डालिए, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हैं। 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाला है। धनिया और जीरा भून के कुटा हुआ है। 1/4 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी ली है। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला इस्तेमाल किया है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज ली थी और उसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। आधा लीमू लिया है और लीमू से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप 1 लीमू भी डाल सकते हैं। अब ये जो प्याज है, हरी मिर्चें हैं 2 बारीक कटी हुई और हरा धनिया है 1 बारीक कटा हुआ, ये हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको अब साइड पे रख देंगे और हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने आटा गूंद के रखा था इसको एक दफा अच्छी तरह से हाथ लगा के गूंद लेना है और उसके बाद इसमें से आधा आटा लेके मैंने यहाँ पर मोटी सी रोटी बना ली है और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के छोटी छोटी स्ट्रिप्स में हमें काटना है पेड़े बनाने के लिए। आप ऐसे ही जिस तरह चपाती के लिए बॉल बनाई जाती है ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से इक्वल साइज की तैयार हो जाती है और बहुत अच्छा, बीच में ऑयल लगने से जो है वो क्रिस्पी भी बनती है। तो छोटी छोटी पेड़े बना लेने हैं हमें। ये पेड़े बन चुके हैं, अब इसमें से एक पेड़ा लेके मैं पूरी की जितना हमें बेलना है और उसको एक साइड पे रख देना है। इस तरह से दूसरा पेड़ा लेना है, उसे भी पूरी के साइज का बेलना है, दोनों का साइज एक जैसा होना चाहिए और उसपे जो है फिलिंग हमें अच्छी सी फिलिंग लगानी है ज्यादा, और थोड़े से एजेस छोड़ देने हैं ताकि जब हम दूसरी रोटी रखकर उसको बेलेंगे तो वो खुद ही साइडों तक भी हमारा ये फिलिंग आ जाएगी। तो अच्छी तरह से एक दफा हाथ से प्रेस करके फिर थोड़ी सी खुश्की डाल के और पराठा बेल लेना है। तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया मीडियम फ्लेम पे, ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, और हम इसको डाल देंगे पराठे को और एक तरफ से हल्का सा सेकेंगे। सेकने के बाद साइड टर्न करने के बाद करेंगे और घी लगा देंगे। घी लगाने से पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और ये दूसरी साइड पे भी मैंने घी लगा दी और बहुत अच्छी तरह से सेक लिया है। दबा दबा के पूरे कॉर्नर्स को सेकना है ताकि हर जगह इक्वल कलर आ जाए। ये पराठा हमारा सेक के बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत क्रिस्पी तैयार हुआ था। तो आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और चटनी और रायते के साथ इसको सर्व करें। और मुझे दुआओं में याद रखें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।